फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टेक विद सूर्या। तो बेसिकली दिख रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी खास टॉपिक रहने वाला है वीवो के यूनिट्स के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं फिलहाल में यहाँ पर इसी तरह का पर कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली दिख रहा है तो हमारे पास जो यूजर हैं जो यूज कर रहे हैं अपने वीवो के V17 Pro को और साथ साथ वीवो के V17 को, तो फिलहाल मैं वीवो के V17 Pro के ऊपर बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना दी है जो कि करीब मैंने यहाँ पर 1 वीक पहले मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो यूज कर रहे हैं वीवो के V17 Pro उसमें यहाँ पर एक अपडेट आ चुका है और आपके डिवाइस में अभी तक नहीं भी आया है। तो आपको यहाँ पर एक से दो दिन तक आपको वेट कर लेना है। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कम्प्लीट थे यहाँ पर उसको यहाँ पर कर दिया गया है। सभी यूजर्स को यहाँ पर एक रोल आउट यहाँ पर कर दिया गया है। अब बात करते हैं वीवो का V17 अपडेट के बारे में। तो इसका साइज़ तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा साइज देखने को मिल जाता है, जिसका साइज़ अप्रॉक्स हमें 3.43 GB के आसपास देखने को मिल जाता है। और इसका जो वर्जन रहने वाला है वो हमें 8.75.6 का वर्जन हमें देखने को मिल जाता है। और इसमें यहाँ पर एंड्रॉयड 11 का अपडेट के साथ साथ हमें इसके अंदर फंटास OS 11 का अपडेट देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इसके अंदर हमें ओरिजिन OS का अपडेट हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर कंपनी ने अभी यहाँ पर कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं बताई है वीवो के V17 को ओरिजिन OS के अपडेट के बारे में। जैसे कि न्यूज आती है आपको इस वीडियो पे चैनल पे आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अब धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल गए हैं वीवो के V17 को एंड्रॉयड 11 का अपडेट करने के बाद। तो पहली बात करते हैं इसका, हमें फंटास OS 11 का अपडेट हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें यहाँ पर जो क्लॉक का फीचर एंड क्लॉक का जो इंटरफेस रहने वाला है वो इस तरीके का देखने को मिल जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा तो चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस इसका जो डिजाइन एंड लुक है उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया गया है। और साथ ही इसका जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में वही सभी फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पर पिछले अपडेट वर्जन में देखने को मिल जाते थे, बट इसका यहाँ पर कुछ इंटरफेस को भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और साथ साथ इसमें यहाँ पर आप मोड में जाकर यहाँ पर आप किसी की भी करेंसी या यहाँ पर उसमें काफ़ी फीचर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, आप इसको यहाँ पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके आइकन की बात कर लेते हैं, तो हम इसका जो आइकन हमें कुछ इस तरीके देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक तरीके से हमें प्योर एंड्रॉयड स्टॉक एंड्रॉयड के जो आइकन्स रहते हैं उनके बेस्ड रहने वाले हैं इसके जो आइकन्स। आप आइकन्स को भी यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू। इसमें यहाँ पर जो एंड्रॉयड 11 का अपडेट को करने के बाद इसमें यहाँ पर कस्टमाइजेशन का हमें काफ़ी फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जैसे हमें यहाँ पर आइकन्स और काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो मेन फीचर रहने वाला है वो हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का रहने वाला है, जो कि हमें कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो लाइटनिंग का फीचर्स है वो भी यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर लाइटनिंग का फीचर इस अपडेट के बाद नहीं भी आता है तो मैंने यहाँ पर एक डेडिकेटेड मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, आपको भी जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इसके यहाँ पर जो लाइटनिंग का फीचर्स है वीवो का V17 के साथ तो नहीं, लेकिन इसको यहाँ पर एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर इसको आप इनेबल कर सकते हैं। तब बात करते हैं इसका जो जॉबी का जो होम रहने वाला है उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो 3 जो मेजर यहाँ पर जो एक रहते हैं उसमें यहाँ पर एक शॉर्टकट्स का रहता है, शॉर्टकट्स के थ्रू यहाँ पर आप स्पेस को क्लीन अप कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आप एक स्प्लिट स्क्रीन के थ्रू यहाँ पर आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐप लॉक का और स्कैनिंग का और ट्रांसफ़र फाइल्स का हमें देखने को मिल जाता है। और इसके यहाँ पर स्क्रीन के अंदर कुछ सजेशंस भी रहते हैं, आप इस सजेशंस को भी यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और जिस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ करेंगे उसी तरह के यहाँ पर आपको सजेशंस देखने को मिल जाएंगे। और बात करते हैं इसके जो वेदर के इंटरफेस में, वेदर का जो इंटरफेस रहने वाला वो भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर वेदर को अंदर आप इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसका जो इंटरफेस है उसको भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया गया है। और यहाँ पर इसका जो रियलिस्टिक जो इसकी जो टोन्स रहती हैं उसको भी यहाँ पर इसके अंदर कुछ डाला गया है। आप इसको यहाँ पर अपडेट एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब बात करते हैं हमारे पास जो फ़ोटो खींची हुई रहती हैं उसको यहाँ पर आप फ़ोटो को खींचने के बाद उसको भी यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और काफ़ी कुछ फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके यहाँ पर जो काफ़ी पिक्चर्स रहती हैं उनको यहाँ पर आप जल्दी खींच देते हैं तो यहाँ पर जो ब्लर उड़ाते हैं काफ़ी फ़ोटो उनको भी यहाँ पर कुछ हद तक आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ साथ इसके अंदर कुछ AI का भी फीचर दिया गया है इसमें यहाँ पर एक अपडेट के बाद, इसमें काफ़ी AI को भी यहाँ पर यूज किया गया है।
और इसके जो आई मैनेजर की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके यहाँ पर जो इसका जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन के यहाँ पर जो होम स्क्रीन रहने वाला है वो एक तरीके से स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर यहाँ पर रहने वाला है। और धीरे धीरे कंपनी ट्राई कर रही है स्टॉक एंड्रॉयड को प्योर एंड्रॉयड देने के लिए अपने डिवाइस को, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर जो स्टॉक एंड्रॉयड के जो सारे फीचर हैं इसके अंदर डाले गए हैं। और स्टॉक एंड्रॉयड को यहाँ पर इसलिए यूज किया जाता है जो आने वाले अपडेट्स में, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड को यहाँ पर आप अपने फंटस OS 11 में डालेंगे तो उसमें रहता क्या है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ कस्टमाइज़ करने के लिए रहता नहीं है और ज़्यादा कुछ कस्टमाइज रहने को नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अपडेट्स को यहाँ पर जल्दी फास्टली तरीके से यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए कंपनी यहाँ पर ट्राई करती है ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट ना करते हुए डायरेक्ट स्टॉक एंड्रॉयड पर यहाँ पर जिसका जो फंटस OS रहता है उसको यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अब इसमें यहाँ पर एक अल्ट्रा गेमिंग मोड को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया गया है। और साथ साथ आप इसको यहाँ पर अल्ट्रा गेमिंग मोड को के जैसे कि गेम खेलने के दौरान आप यहाँ पर किसी को कॉल को भी यहाँ पर एक शेड्यूल्ड कर सकते हैं, उनके थ्रू यहाँ पर एक मैसेज पहुँच जाएगा कि आप यहाँ पर इस टाइमिंग पर यहाँ पर आप कॉलिंग कीजिएगा। इसके अंदर और भी फीचर्स हैं अल्ट्रा गेमिंग मोड में, आप इसको भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यही थे हमारे पास जो फंटस OS 11 के काफ़ी फीचर्स। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगर आपके मन में कुछ सवाल है, देना चाहते हैं कुछ सुझाव, तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।